जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है और जो आप प्यार और सपोर्ट इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहें और आपका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह बात सीख लो, दुनिया कभी भी आपकी ना तो बेइज्जती करेगी ना अपमान करेगी, वो हमेशा आपके दीवाने रहेंगे और आपको जो बहुत सारी परेशानियाँ झेलना पड़ती है ना वो भी आपको नहीं झेलना पड़ेगी। वो क्या तरीका है, वो कौन सा उपाय है, वो कौन सी बात है जिसको आप जानने के बाद इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, हम उसी पर आज चर्चा करेंगे। वो कौन सी बातें हैं, वो क्या क्या है, आज पूरा A to Z इस पर 3 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें तो आप बहुत आसानी से और बहुत सरलता से ये बात समझ जाएंगे। दोस्तों हम बात को थोड़ा सा अपनी आगे बढ़ाएं और चीज़ों को थोड़ा सा समझें, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है मेरा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ज्योतिष रिलेटेड या अपने जीवन में सकारात्मकता से रिलेटेड आपकी राशि के लिए चैनल के माध्यम से वीडियो हमेशा मिलते रहते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे अच्छा लगे और कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम जो भी आपको अच्छा लगे वो ज़रूर लिखें दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं आपको और ये बात के पीछे क्या क्या रीज़न है, क्या बात है, हम पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, ये जो आपका नज़रिया है ना, और किसी भी व्यक्ति को उसका सच कह देना, मतलब ये सच सुनना आप स्वयं भी निजी तौर पर पसंद करते कि मुझ में जो कमी है या जो मैं चीज़ सही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम मानव तो गलतियों का पुतला होता, तो हम उसे चाहे कि कोई एड्रेस करवा दे, कोई हमें बता दे कि आप यहाँ गलत है क्या सही है, और सेम हम यही भाव दूसरों के साथ रखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत जा रहा है और हमें लग रहा है कि ये सही नहीं है तो हम उसको जाकर बता देते हैं। तो ये जो आदत है बेशक बहुत अच्छी आदत है पर इस वर्तमान युग में ये सही नहीं है, इसे बदल दे, क्योंकि इससे होता क्या है कि लोग आपको अलग सा फील करवाते हैं और जो सच है वो कड़वा होता है और कड़वी बात हमेशा लोगों को बुरा लग जाता है और इन बुरा लगने की वजह से निजी संबंध और बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उस वजह से जो खामियां जाए वो हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम उसे माइंड तो नहीं करते हैं लेकिन सामने वाला माइंड कर लेता है और उस माइंड की वजह से हमें परेशानियाँ देखना पड़ती है। तो मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हर जगह सम्मान और इज्जत चाहते हैं तो ये बात अपने दिमाग में बिठा, लेकिन कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा अगर वो आपसे राय ले, आपसे पूछे, तभी के आप अपनी तरफ से किसी को भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे नुकसान आपका है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक अच्छा इंसान जिसका दिल साफ हो, आत्मा साफ हो, जो सच के साथ रहना चाहता है, उसका मन दुखी हो और उसे इसकी वजह से कई सारी दूसरी अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियाँ उठाना पड़े। ओम नमः शिवाय।